एक्सक्यूज मी, मुन्ना तुम यहाँ? ये कब से शुरू किया? क्यों नहीं कर सकता? मेरा मतलब वो नहीं था, सुबह कॉलेज शाम को यहाँ, कैसे मैनेज करते हो? पसंद की चीज तकलीफ नहीं देती। तुम्हें क्या चाहिए? वाटर। ओनली वाटर? नैना मेरे लिए एक जूस। ओके। हाय यंकल, कौन बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं डैडी है। हाय जेंटलमैन, मैं डॉक्टर चौधरी। मुन्ना कहीं है तुम्हारे कॉलेज का वही मुन्ना तो नहीं जिसकी तुम दिन रात तारीफ करती रहती हो? इजी बेटा। डैडी ये कहना जरूरी था क्या? मेरे बारे में नहीं बोलती होगी, बिकॉज शी ऑलरेडी हैव अ बॉय। ऑलरेडी हैज व्हाट? आपके लिए एक जाम बनाऊं? ऑल यू बॉयज एंड गर्ल्स, आज वो दिन है जब हम प्यार का जश्न मनाने वाले हैं। आज के दिन लोग प्यार का इजहार करते हैं। आज हम चुनेंगे एक ऐसे कपल को जो बनेंगे आज के किंग एंड क्वीन। लाइट्स ऑफ। अब ये लाइट उस कपल पे फोकस करेगी जो डांस फ्लोर पर आग लगा देंगे। तो वो लकी कपल कौन है? सो बॉयज एंड गर्ल्स, एंजॉय, एंजॉय योरसेल्व्स। हो मैं? वाओ। सॉरी अंकल, नॉट यू। कौन है ये हैंडसम ड्यूड? वाओ, इट्स नन अदर देन मुन्ना। सलाम भाई। सलाम भाई। सलाम भाई। जब और जहां मौत लिखी हो तभी मौत आती है। भला मौत के पंजे से आज तक कौन बच पाया है ना? हाँ। क्या रे, क्यों आया है? आपसे मिलने। सुना है तू शहर में बिना लाइसेंस के हथियार बेचता है और भी बहुत सारे गैर कानूनी काम है जिनके पीछे तेरा हाथ है। तू एक नामी गुंडा है, आज मुझसे मिलने क्यों आया है? मिलकर काम करने, दोनों की ताकत बढ़ जाएगी। गुंडे बदमाशों का ही साथ देना होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, पूरे सूबे पर राज कर रहा होता। राका इस शहर का यमराज है, उससे अकेले कैसे लड़ोगे? अरे सिर्फ राका ही नहीं, राका जैसे बहुत से और गुंडों से भी पंगा लिया है मैंने। और तू भी जिस तरह से आजकल उल्टे सीधे काम कर रहा है ना, राका के खात्मे के बाद तेरा ही नंबर लगेगा। अगर यही बात किसी और ने कही होती तो मुंह में हाथ डाल के हलक खींच लेता। निकल यहाँ से, मेरे घर आकर मुझे ही धमकी देता है, गुंडा मवाली कहीं का। नहीं लगी, लड़के और लड़कियाँ बहुत नजदीक थे, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं डैडी के साथ वापस चली गई। लगता है तुम्हारे डैड को तुम पर यकीन नहीं है। ये बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि खुद तो तुम एक बॉयफ्रेंड बना के घूम रही हो। मतलब क्या है? दूसरों पे उंगली उठा रही हो। बॉयफ्रेंड के बारे में झूठ बोलकर मैंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारी। क्या चल रहा है यहाँ पे? ए, उसको छोड़ और तू निकल। नहीं गया तो? अच्छा, फिर यहाँ तेरी कब्र बनेगी। जो मुझसे टकराता है ना, सुबह का सूरज नहीं देखता। कल क्लब में मैंने इसका कॉलर पकड़ लिया था, इसीलिए ये मुझे मारना चाहता है। एक आदमी को मारने के लिए इतनी बड़ी फौज? ओह, इन भाड़े के टट्टुओं के बिना तुझसे तो एक मच्छर भी नहीं मरता होगा। हाँ ठीक है, कोई भी बीच में नहीं आएगा, तू भी बीच में मत आ, ठीक है? चलो पीछे हो जाओ, आजा, आना। अरे आ। क्या हुआ, डर लग रहा है तुझे?
तेरी गर्लफ्रेंड को किसी ने जरा सा हाथ लगाया तो तुझे गुस्सा आ गया था, पर आज वो गुस्सा कहाँ चला गया? इसका मतलब कोई गुंडा अगर तेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ेगा छुएगा तो तू देखता रहेगा, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुश्मन को हराने के लिए चट्टान जैसी हिम्मत की जरूरत पड़ती है और अंदर की आग को ज्वालामुखी बनाना पड़ता है। ए मुन्ना, गीदड़ों को शेर की कहानी सुनाने से गीदड़ शेर नहीं बन जाया करते, ये गीदड़ की औलाद है। ए, शैडी से टकराना बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए मर्द का जिगरा चाहिए। मुझे मारेगा मारेगा। अच्छा तू मारना मारना, रुक क्यों गया? मार, आजा, मार, और मार, और मार, आजा। देखा बिना चमचों के कैसे तेरी हवा निकल गई? किसी को कमजोर मत समझना वरना फाड़ के रख देगा। ए, ये दुश्मनी तुझे महंगी पड़ेगी, तू जानता नहीं है मैं किसका बेटा हूं। उसी का बेटा है ना तू, जो एक स्मगलर है, कातिल है, रेपिस्ट है, दलाल है, जो लोगों की जिंदगियों के साथ खेलता है, उसी गंदी नाली की पैदाइश है ना तू। और तेरे बाप का नाम है राका, रा का। अब बोल क्या बिगाड़ लेगा वो मेरा? हाँ, शाडी, क्या बात है, ये चोट कैसे लगी? कॉलेज में बास्केटबॉल खेलते हुए गिर गया था डैडी। तेरे चेहरे से खून गिरना मतलब मेरे चेहरे पे खून। राका के बेटे पर हाथ उठाया, बता कौन है वो, कौन है? कॉलेज का एक लड़का है, उसने मारा। तो राका का बेटा, उसे पता नहीं था क्या? उसे पता था डैडी। क्या नाम है उसका? खुरदार, देखने में तो ठीक ठाक लगते हो, फिर क्या मत्ती मारी गई थी जो राका के बेटे से पंगा ले लिया तूने? तूने ऐसी गलती की है जिसे राका कभी माफ नहीं करता। तेरी इस गलती के लिए तेरे इतने टुकड़े कर देंगे कि तेरे चाहने वाले गिन नहीं पाएंगे। अब सुन, कल कॉलेज में आकर चुपचाप सबके सामने सैडी से माफी मांग लेना, फिर अगर तुझ पे रहम आ गया तो राका तुझे माफ कर देगा और तुझे नई जिंदगी मिलेगी। क्यों मियां, समझ में आया? मुझे तो समझ में आ गया, तुझे समझ में आया कि नहीं?
Oh!